नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बीजेपी ने भी सेवा की स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हाट बाजार पहुंचकर झाड़ू लगाई और सभी को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता के लिए सभी श्रमदान कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए लोग जागरूक हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने आजीविका मिशन के बारे में भी चर्चा की। सीएम ने बताया कि मिशन से लाखों महिलाओं को रोजगार मिला है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सवा साल कांग्रेस सरकार थी, तब वो केवल पैसों के लिए ही रोते हैं। तो देखिए, आज 1 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर 1 अक्टूबर यानी कि एक दिन पहले से ही स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 1 घंटे का श्रमदान दिया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और इस दौरान उन्होंने एक जनता को मैसेज तो दिया है, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता है वहां समृद्धि है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ अच्छा स्वास्थ्य है, और जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में भी स्वच्छता के लिए हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। आनंद की बात यह है कि अब स्वच्छता के लिए लोग काफ़ी जागरूक हो गए। मध्य प्रदेश देश का स्वच्छतम प्रदेश है और भोपाल स्वच्छतम राजधानी राज्य की राजधानियों में, लेकिन अवेयरनेस बनी रहे और स्वच्छता की तरफ से हम लापरवाह ना हो, इसलिए अपने संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, उसी अपील और आह्वान पर मध्य प्रदेश भर में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, आम जनता वो स्वच्छता के काम में जुटी है। स्वच्छता ने देश की तस्वीर बदल दी है। ये ऐसा जन अभियान है जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है, और आगे भी मध्य प्रदेश का ये संकल्प है, हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नंबर 1 बने रहे। आजीविका मिशन एक जन आंदोलन है मध्य प्रदेश में। हमारी 15 लाख से ज्यादा बहनें स्व सहायता समूह की लखपति बन चुकी है। स्व सहायता समूह बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं, लोकल को वोकल बनाने के लिए उनके उत्पादों को ठीक मार्केट मिले, इसलिए आजीविका मार्ट के नाम से यहाँ ये दुकान खोली गई है, जिसमें स्व सहायता समूह के द्वारा बनाए हुए अलग अलग उत्पाद रखे जाएंगे, और ये साल भर खुली रहेगी ताकि लोग आए, देखें, इसकी ब्रांडिंग भी हो और यहाँ से सामान खरीद कर भी ले जाए। उनके पास कुछ है ही नहीं, अब उनकी बुद्धि के बारे में क्या कहूँ। जो पहिया वाला सूटकेस सर पे रख के चलता है, उसकी अकल का, उनकी अकल का अंदाज लगा लो, और कुछ नहीं मिलता। मुझे ये बताएं, मध्य प्रदेश में जब सवा साल उनकी सरकार थी तब उनने क्या किया? रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, रोज विकास का महायज्ञ चल रहा, आज भी हम चंदेरी जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को सही अर्थों में दलालों का अड्डा बनाया था। ये कमलनाथ एंड कंपनी थी जिनके घरों पर छापे, आसपास के लोगों पर छापे पड़े, और कितनी राशि बरामद हुई थी। अब ये बौखलाए हुए लोग, खिसियाए हुए लोग, और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान है,